जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 36, 37, 38, 39 पर 40 पर चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयोक्तायाम पापम चर्ति पुरुष अनिच्छन अपि वार्षिणया बलादिव नियोजित। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, इस संसार में मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप करता है? चाहे वह उसे नहीं करना चाहता हो, फिर भी बलपूर्वक उसे प्रेरित कर दिया जाता है। अर्थात मनुष्य के भीतर ऐसा कौन सा कारण या शक्ति है जो उसे पाप या अधर्म के कार्यों की तरफ प्रेरित करती है, भले ही वह जानता है कि वह गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन का यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में उठता है, क्योंकि हम कई बार यह जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं। यह मजबूरी किस वजह से आती है? यह कोई मानसिक कमजोरी है या इंद्रियों का दोष है जो हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती है? श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाशमा विद्धे एनम वरिणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह काम या इच्छा और क्रोध ही है जो रजोगुण अर्थात अशांति और असंतोष से उत्पन्न होते हैं। यह दोनों बहुत ही लालची और अत्यंत पाप करने वाले हैं। इन्हें इस संसार में अपना सबसे बड़ा शत्रु जानो अर्थात रजोगुण मनुष्य के भीतर इच्छाओं और असंतोष की भावनाओं को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध उत्पन्न होता है और यह क्रोध व्यक्ति को अधर्म के मार्ग की तरफ ले जाता है। इस श्लोक से हमें यह सीख लेनी चाहिए, मनुष्य को आत्मसंयम और मानसिक शांति को विकसित करना आवश्यक है ताकि मनुष्य रजोगुण के विकार से मुक्त हो सके। धूमेना वर्यते वा निर्यता दर्शो मलेन च यतो लवे नावतो गर्भ तथा तेने दम आवतम। जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, जैसे दर्पण मैल से ढका होता है, जैसे गर्भ भ्रूण से ढका होता है, उसी प्रकार यह ज्ञान इच्छा से ढका है। अर्थात जब तक इच्छाओं का प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर रहेगा तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति कठिन है। आवताम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यम वरिणा काम रूपेण कौनते दुष्पुरेणा नलने च। हे अर्जुन, इस काम रूपी स्त्रु ने ज्ञानी के ज्ञान को ढक कर रखा है जो कभी तृप्त न होने वाली अग्नि के समान है। अर्थात जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करता तब तक उसका ज्ञान ढका रहता है जो व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान से दूर ले जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्या दृष्टान मुच्यते एतेर विमोहयतेस ज्ञानम आविरतम देहिनम। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां मन और बुद्धि काम यानी इच्छा का निवास स्थान है। इन तीनों के माध्यम से काम हमारे भीतर प्रवेश करता है और हमें भौतिक सुखों की ओर खींचता है। अर्थात जब इंद्रियां मन और बुद्धि काम के प्रभाव में आ जाती हैं तब व्यक्ति भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता है। इस कारण उसे अपने जीवन में दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।